आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रीन टीवी के न्यू ड्रामा सीरियल मेरे रांझना के तमाम अदाकारों के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में और साथ ही साथ बताएंगे इनके असल उम्र और प्रोफेशन से मुताल्लिक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो व्यूअर्स वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको ड्रामा सीरियल मेरे रांझना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बताते हैं आपको सलमा आसिम के बारे में। ये 1960 को कराची में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र 64 साल है। पेशे से एक्ट्रेस है। इनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात की जाए तो इनके हस्बैंड का नाम जफर आसिम है, जिनका ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से नहीं है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। सलमा आसिम को आप रिसेंट ड्रामा नमक हराम में शानदार एक्टिंग करते देख चुके हैं। अब बात करते हैं यंग टैलेंटेड एक्टर जुहाब खान के बारे में। ये 4 मई 2001 को कराची में पैदा हुए और इस वक्त इनकी उम्र 23 साल है। पेशे से एक्टर और मॉडल हैं। इनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने रिसेंटली शादी की है और इनकी बीवी का नाम वानिया नदीम है, जो कि टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर हैं। जुहाब खान को आप बेशुमार ड्रामों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करते देख चुके हैं। अब बात करते हैं नामवर अदाकारा फरीहा जबीन के बारे में। ये 10 फरवरी 1968 को कराची में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र 50 साल है। पेशे से एक्ट्रेस हैं। इनके शोहर का ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से नहीं है, ताहम पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा अम्मार खान इनकी बेटी हैं। फरीहा जबीन को आप बेशुमार ड्रामों में शानदार एक्टिंग करते देख चुके हैं। अब बात करते हैं नामवर अदाकार साजिद शाह के बारे में। इनकी उम्र 65 साल है। पेशे से ये एक्टर हैं। इनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने 2021 में नामवर अदाकारा इरसा गजल से शादी की। साजिद शाह का एक जवान बेटा है जो कि खुद एक एक्टर है। साजिद शाह की एक्टिंग को खूब पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं हैंडसम अदाकार अली देसवाली के बारे में। इनकी उम्र 27 साल है। पेशे से एक्टर और मॉडल है। इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में बात की जाए तो इन्होंने फिलहाल शादी नहीं की है और ये अपने करियर पर तवज्जो दे रहे हैं। अब बात करते हैं नामवर अदाकारा दिया मुगल के बारे में। ये 16 अप्रैल 1987 को लाहौर में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र 37 साल है। पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल है। उन्होंने शादी की हुई है लेकिन इनके बच्चों और शोहर के ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से नहीं है। दिया मुगल को आप रिसेंट ड्रामा मायरी में शानदार एक्टिंग करते देख चुके हैं और अभी ये इस ड्रामे में भी एक अहम किरदार निभा रही हैं। अब बात करते हैं हैंडसम अदाकार फराज फारूकी के बारे में। ये 7 सितंबर 1989 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुए और इस वक्त इनकी उम्र 34 साल है। पेशे से एक्टर और मॉडल है। इनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात की जाए तो उन्होंने 2016 में शादी की और इनकी बीवी का नाम शिजा खान है, जिनका ताल्लुक शोबिज से नहीं है। फराज फारूकी के 2 बच्चे हैं, 1 बेटा और 1 बेटी। हमाद फारूकी फराज फारूकी के जुड़वा भाई हैं। फराज फारूकी को आप ड्रामा अखाड़ा में बेहतरीन अदाकारी करते देख चुके हैं। अब बात करते हैं खूबसूरत अदाकारा वशमा फातिमा के बारे में। ये 23 जनवरी 1997 को लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र 27 साल है। पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल है। शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने 4 जनवरी 2023 को शादी की और इनके शोहर का नाम सुभान एवान है, जो कि शोबिज इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर हैं। वशमा फातिमा को आप रिसेंट ड्रामा कॉलेज गेट में शानदार एक्टिंग करते देख चुके हैं। अब बात करते हैं हैंडसम अदाकार उमर शहजाद के बारे में। ये 14 दिसंबर 1987 को कराची में पैदा हुए और इस वक्त इनकी उम्र 36 साल है। पेशे से एक्टर, मॉडल और सिंगर रह चुके हैं। इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में बात की जाए तो इन्होंने फिलहाल शादी नहीं की है और ना ही ये किसी के साथ इंगेज है। उमर शहजाद को आप ड्रामा जान से प्यारा जोनी में भी देख सकते हैं और इनके एक्टिंग को खूब पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं इस ड्रामे की लीड एक्ट्रेस हिना अल्ताफ के बारे में। ये 2 जनवरी 1992 को कराची में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र 32 साल है। पेशे से एक्ट्रेस है। इनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात की जाए तो उन्होंने 2020 में पाकिस्तान के मशहूर अदाकार आगा अली से शादी की और ये दोनों हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। हिना अल्ताफ को आप रिसेंट ड्रामा महरूम में देख चुके हैं। डियर व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।